आपको बताता हूँ मेडिसिनल प्लान जिसके लिए कि NVRI जाना जाता है। हम लोगों के पास आपको पता होगा कि BGR-34 करके एक मेडिसिन है जो कि कंट्री भर में धूम मचाया है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। तो उसका जो 5-6 प्लांट्स है, 6 प्लांट्स है उसका, वो सब हमारे एंटीबायोटिक प्लान में बढ़ सकता है, उसको कल्टिवेशन करके जो बनाने वालों को बेचा जाए। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हम लोग का करीब 10-15 फॉर्मुलेशंस हैं मेडिसिन से, जिसका कि प्लांट जो मेडिसिनल प्लांट है उसका पीछे जो जरूरत है और प्योर फॉर्म में बढ़ाना चाहिए, सब हमारा उत्तर प्रदेश में बढ़ सकता है। देखिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सा हमारा जो जैव विविधता का एलिमेंट्स हैं कौन सा वेनिश हो रहा है। ज़्यादातर आपको पता होगा कि ये जो स्पेसीज जो वेनिश होते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, वो हाई अल्टीट्यूड में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नीचे क्योंकि जो टेम्परेचर है हमारा, जैसे कि इंडो-गंगेटिक प्लेन का, उसमें क्या है कि एक टेम्परेचर रेंज होता है और उसमें प्लांट को अडॉप्ट करने के लिए आसानी होता है। माइग्रेट करते हैं जब जलवायु परिवर्तन होता है, स्पेसीज भी धीरे 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 ऊपर चढ़ते रहते हैं, क्योंकि सपोज आप जानते हैं कि जो इतना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता रहता है, नीचे है टेम्परेचर ज्यादा है, तो जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया सो वो लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ऊपर चलें। एनिमल तो आराम से चल के चला जाएगा, लेकिन प्लांट्स माइग्रेशन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो इसके लिए हाई ऑल्टीट्यूड स्पेसीज ज्यादा सक्षम होते हैं, लेकिन हमारा इंडो-गंगेटिक प्लेन में इस तरह अभी तक हम लोगों का सामने आया नहीं। जो स्पेसीज विलुप्त हो रहा है वो हो रहा है हम लोगों का काम के लिए, लैंड यूज का मिस यूज करते हैं हम लोग, एक्सप्लॉइट करते हैं, इसके लिए मिसिंग होता है। जलवायु परिवर्तन के लिए कोई स्पेसीज अभी तक हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए, हालांकि हम लोग जारी है, हमारा रिसर्च जारी है उसके लिए भी। ये हमारा NVRI पता है, उसको काफी लोग जानते हैं कि पॉल्यूशन रिलेटेड रिसर्च करता है। सो कौन सा पौधा कौन सा पॉल्यूटेंट के लिए उपयोगी होगा, ये NVRI ने पहला लिस्ट बनाया। सपोज एक रिफाइनरी है, सो सेम प्लांट पॉल्यूशन के लिए हम लोग कंट्रोल करने के लिए नहीं लगा सकते। सीमेंट के लिए अलग होगा, सीमेंट प्लांट के लिए उसका जो SPM होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर रेट जो 2.5 या 10 होता है SPM, उसको ऑब्जर्व करने का, उसको टॉलरेंट होने का जरूरत है। यहाँ पे आपका रिफाइनरी में और कुछ है जो कि उसको कंट्रोल करने का, कार्बन ओरिएंटेड पॉल्यूटेंट्स है। सो हमेशा हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग पॉल्यूटेंट रेजिस्टेंट, पॉल्यूटेंट एब्जॉर्बेंट प्लांट्स का एक लिस्ट हम लोग बनाए। 11 स्टेट है कंट्री का, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 70 जिला में आर्सेनिक पॉल्यूशन है, और आर्सेनिक पॉल्यूशन के लिए बहुत खतरा होता है लोगों का, जो बीमारी होता है आर्सेनिक पॉइजनिंग का, बहुत खतरा है ये। इसलिए हम लोग एक वेराइटी, राइस वेराइटी रिलीज किए हैं, पश्चिम बंगाल सरकार का साथ मिलकर हम लोग काम किए हैं, उसका जो है रिलीज हो गया अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से। वो बहुत कम आर्सेनिक रहता है, जो चावल खाने वाले हैं उसको खाएंगे तो वो WHO का जो लिमिटेशन है उसके काफ़ी नीचे हैं। सो ये NVRI का एक अवदान है कि भाई जो आर्सेनिक प्रोन एरिया में जो राइस ग्रो करता है, इसका दाना में इतना आर्सेनिक होता था कि लोगों को बीमारी का वही एक मेन सोर्स था, अभी उसमें घट गया। ये हम लोग का पर्यावरण का एरिया में हम लोग जो काम करते हैं, जो कुछ पॉइजनस होते हैं, जैसे सियानाइड है, स्टील प्लांट से निकलता है वो, सो टाटा स्टील के साथ हम लोग मिलके वो पॉइजन जो सियानाइड है उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, कौन सा प्लांट्स हैं जिसको कि उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं जैसे कि रिलीज से पहले वो पॉइजन कम हो जाए। बगन भैया का सबसे हाईएस्ट वेराइटी हमारा NVRI ने निकाला, 75 वेराइटीज हैं, 225 करीब हमारा अपना कंजर्वेशन यहीं पर है। सो लोगों को ये सब लेके मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं, नर्सरी बिजनेस भी आप कर सकते हैं, और इसको फिर पॉटेड फ्लावर प्लांट कर सकते हैं और उसको भी बेच सकते हैं वो बगन भैया का। इसी तरह ग्लैडियोलस का हमारे पास 70-75 वेराइटीज ग्लैडियोलस आपने क्रिएट किए हैं, कल्चरेशन ट्रीटमेंट से, केमिकल म्यूटाजेनेसिस से, गामा रेडिएशन से। वो वेराइटी किसके लिए है? हमारा किसान भाइयों के लिए है, क्योंकि उसको नया वेराइटी है और कहीं नहीं देखने नहीं मिलेगा। उनको जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है, कैसे उसको खेती करना है, क्या प्रैक्टिस है, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं साल भर। सो लोगों को आना चाहिए, लेना चाहिए, प्रोग्रेसिव थिंकिंग होना चाहिए। जैसे और एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये जो फूल का खेती के बारे में सूखा वाला जो ड्राई फ्लावर टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, आप उसमें उसको ड्राई करेंगे 30 साल तक वो कलर रहेगा। फिर जो मंदिर का पूजा है, पूजा का मंदिर के बाद जो फूल को फेंक देते हैं उसको हम यूटिलाइज करके उसमें से हमने गुलाल उसको बना सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ मेडिसिनल प्लांट जिसके लिए कि NVRI जाना जाता है। हम लोगों के पास आपको पता होगा कि BGR-34 करके एक मेडिसिन है जो कि कंट्री भर में धूम मचाया है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। तो उसका जो 5-6 प्लांट्स है, 6 प्लांट्स है उसका, वो सब हमारे इंडो-गंगेटिक प्लेन में बढ़ सकता है, उसको कल्टिवेशन करके जो बनाने वालों को बेचा जाए। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हम लोग का करीब 10-15 फॉर्मुलेशन है मेडिसिन से, जिसका कि प्लांट जो मेडिसिनल प्लांट है उसका पीछे जो जरूरत है और प्योर फॉर्म में बढ़ाना चाहिए, सब हमारा उत्तर प्रदेश में बढ़ सकता है।